हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट्स को। तो फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट को डिस्कस करें उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास में फ्री रेडिकल होते हैं उनको हम सेचुरेशन के बेस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास में एल्किल फ्री रेडिकल, ठीक है, और सेकेंड होते हैं हमारे पास में अनसेचुरेटेड फ्री रेडिकल। तो अनसेचुरेटेड फ्री रेडिकल ऐसे फ्री रेडिकल होते हैं जिसमें जो हमारे पास में कार्बन होता है जिस पे हमारे पास में फ्री रेडिकल होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ऐसे कार्बन से जो मल्टीपल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास में हम देखेंगे कि इन दोनों में ही रीअरेंजमेंट किस टाइप से होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं अनसेचुरेटेड जो फ्री रेडिकल हैं उनके अंदर रीअरेंजमेंट किस टाइप से होते हैं। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें हम डिस्कस करते हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट्स की। तो एलाइलिक सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास में क्या होता है, जो हमारे पास में फ्री रेडिकल आएगा वो किस पर आएगा, वो उस कार्बन पे आएगा जो कि कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में फ्री रेडिकल कौन से कार्बन पे आएगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो इसे इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक सिस्टम कहते हैं। और ये वाला जो हमारे पास में ग्रुप है और इसके पास वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलाइलिक रीअरेंजमेंट आर वेरी कॉमन इन फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑन एलाइलिक सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये हमारे पास में RCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है कंपाउंड, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं एक्स रेडिकल के साथ, ठीक है, हेलोजन जो रेडिकल है उनके साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, ये रेडिकल हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ग्रुप से। अब हम जानते हैं कि यहाँ से कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से हमेशा ही हमारे पास में जो एलाइलिक कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -HX निकल जाएगा, तो हमारे पास में क्या बनेगा, RCH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो रेडिकल है वो क्या कर सके, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी हमारे को मिल सकती है। यहाँ से क्या होगा कि यह वाला हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये रेडिकल यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ठीक है। अब वापस यहाँ से जब हम X2 की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इन दोनों ही कंपाउंड से जो हमारे पास में आए हैं, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास में क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और इन दोनों के बीच में ही क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो जब हम X2 की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में पॉसिबिलिटी दो प्रोडक्ट की, या तो हमारे पास में एक एक्स यहाँ पे आके जुड़ेगा या हमारे पास में एक एक्स कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट जो होते हैं फॉर्म होते हैं जब हम क्या कराते हैं, इस कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं फ्री रेडिकल के साथ में, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास में बनेगा जिसपे एक्स है वो कहाँ पर जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है, और सेकंड वाला जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसमें कहाँ पर जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर जुड़ेगा। तो इस टाइप से जो होते हैं ये एलाइलिक रीअरेंजमेंट्स होते हैं। अब सेकंड होता है हमारे पास में, जो हमारे पास में हमने देखा था एल्किल जो रेडिकल होते हैं उनके अंदर फ्री रेडिकल किस टाइप से होते हैं, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट किस टाइप से होते हैं, ठीक है। ए प्राइमरी रेडिकल में समटाइम प्रोड्यूस ए टर्शियरी रेडिकल बाय द माइग्रेशन ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द नाइबरिंग कार्बन, ठीक है। हाउएवर सच रेडिकल रीअरेंजमेंट आर लेस कॉमन देन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट बिकॉज द स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन ए प्राइमरी एंड टर्शियरी रेडिकल इज नॉट एज मच एज दैट बिटवीन ए प्राइमरी एंड ए टर्शियरी कार्बोकेटायन। मोस्ट ऑफ द रिपोर्टेड रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ एन एराइल ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू द एडजेसेंट एटम। तो जो हमारे पास में प्राइमरी रेडिकल है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टर्शियरी रेडिकल को, लेकिन ये जो होते हैं इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं जितने हमारे पास में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास में फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती तो अकॉर्डिंग हमारे पास में जो कार्बोकेटायन है उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी हमारे कार्बोकेटायन की होती है, क्योंकि जो हमारे पास में कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है एज़ कम्पेयर टू फ्री रेडिकल। इसलिए जो उन पर हमारे पास में जो टर्शियरी रेडिकल टर्शियरी जो हमारे पास में कार्बोकेटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास में टर्शियरी फ्री रेडिकल है। तो इसलिए जो इनमें जो फ्री रेडिकल देखे जाते हैं वो इतने जो होते हैं कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास में ऐसे फ्री रेडिकल जो रीअरेंजमेंट है वो कब होते हैं, जब यहाँ पे अभी हमने देखा था मोस्ट ऑफ द रिपोर्टेड रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ एन एराइल ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू द एडजेसेंट एटम, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको रिएक्शन दे देगा और आपको जो है रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल क्या है, द रीअरेंजमेंट ऑफ बीटा फिनाइल आइसोवैलेरिल्डिहाइड, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है हमने डायग्राम में वन से शो करेगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्शन जो है कैसे कम्प्लीट होती है। तो ये जो होती है अकम्पनाइंग होती है डीकार्बोनाइलेशन से, ठीक है। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय टर्शियरी ब्यूटाइल परोक्साइड एंड यील्ड्स ए मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ
आइसो ब्यूटाइल बेंजीन सेकंड एंड आई टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्या है, आइसो ब्यूटाइल बेंजीन है जो भी कि अब आगे हम देखेंगे डायग्राम में, और थर्ड जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन होगा। तो जो हमारे पास में फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट है वो किससे स्टार्ट होगी या फिर इनिशिएट होगी, तो हमारे पास में वो इनिशिएट होगी जब हमारे पास में इनिशिएटर क्या हो, टर्शरी ब्यूटाइल परोक्साइड हो। ठीक है, तो इसी कंडीशन में ये जो है हमारे पास में दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक सेकंड बनता है एक थर्ड बनता है, जब हम क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं बीटा फिनाइल आइसो वैलेरिल्डिहाइड की। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, टर्शरी ब्यूटाइल परोक्साइड। तो अब इसको हम देखते हैं इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है कंप्लीट। तो ये क्या है हमारे पास में कंपाउंड वन है, तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास में कैसी होती है, पी एच सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको हम कहते हैं बीटा फिनाइल आइसो वैलेरिल्डिहाइड। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर रिएजमेंट किस टाइप से होता है, तो यहाँ पे हमारे को चाहिए होता है इनिशिएटर, जो कि हमने डिस्कस किया था वो क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल परोक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनिशिएटर। अब इनिशिएटर क्या करेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन को जो होगा इनिशिएट करेगा और यहाँ पे रेडिकल जनरेट करेगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड्रिक हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। तो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होने बाद में हमारे पास में क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो फ्री रेडिकल हमारे पास में कुछ इस टाइप से बनेगा, सी एच थ्री सी ए सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल। ठीक है, अब ये जो रेडिकल है इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है और यहाँ से क्या होता है, सी ओ जो होती है कार्बन मोनोक्साइड बाहर निकल जाती है। अब हमारे पास में क्या बनता है, पी एच सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू रेडिकल। ठीक है, तो ये वाला रेडिकल बनता है जो कि हमारे पास में फोर्थ स्ट्रक्चर है, और ये जो होता है एक प्राइमरी जो है फ्री रेडिकल है। अब इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट किस टाइप से हो सकता है, तो इसमें जो रीअरेंजमेंट होगा वो इस तरह से होगा, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि ये जो फिनाइल ग्रुप है कहाँ चला जाएगा, ये फिनाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल है कहाँ पे जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, टर्शरी जो होगा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू प्राइमरी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या बन जाएगा, सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू पी एच, और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन जाता है टर्शरी फ्री रेडिकल, जो कि एज़ कम्पेयर टू जो प्राइमरी रेडिकल है उससे ज़्यादा स्टेबल है। अब हमारे पास में क्या हो सकता है, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में, तो जब इसकी रिएक्शन होती है हमारे पास में किसकी, सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच टू पी एच रेडिकल की। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हमारे पास में होती है हाइड्रोजन डोनर, जो कि हमारे पास में जो फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या करता है, एच प्लस को जो होता है एच रेडिकल जो है यहाँ से डोनेट करता है। तो यहाँ से क्या होगा, एच रेडिकल ये जो होगा रेडिकल एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी एच थ्री सी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच सी एच थ्री सी एच टू पी एच। ये हमारे पास में प्रोडक्ट कौन सा था, सेकंड प्रोडक्ट था, जिसका नाम हमारे पास में क्या था, आइसो ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल बेंजीन, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसो ब्यूटाइल बेंजीन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हो सकता है कि ये जो है फोर्थ वाला रेडिकल है, ये क्या करे, पी एच सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू रेडिकल। ठीक है, अब ये रेडिकल भी क्या कर सकता है, डायरेक्ट जो हमारे पास में फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसे जो है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, पी एच सी सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच थ्री, जो कि हमारे पास में कंपाउंड था थर्ड, जिसका नाम क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल रिएजमेंट होता है। तो उससे दो टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, एक तो हमारे पास में बनता है सेकंड वाला कंपाउंड जो कि है आइसो ब्यूटाइल बेंजीन, एक बनता है थर्ड कंपाउंड जो कि क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास में रीअरेंजमेंट था उसका मैकेनिज्म किस टाइप से होता है, मतलब कि यहाँ से जो फेनाइल ग्रुप रीअरेंज होकर यहाँ पे गया है वो किस तरह से जो होता है रीअरेंजमेंट होता है, अब उसका मैकेनिज्म को समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, एक फेनाइल ग्रुप था, ठीक है, जो कि क्या है एरोमेटिक ग्रुप है, तो उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म को देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एराइल ग्रुप है ये, और इस एराइल ग्रुप से हमारे पास में क्या जुड़ा हुआ है, सी एच, ठीक है, सी एच थ्री
CH3 और CH2 रेडिकल। यही हमारे पास में क्या थी, जो फोर्थ कंपाउंड आया था, अरे फोर्थ रेडिकल जो था हमारे पास में, वो इस टाइप पे दिखाई देता था। तो अब इसमें क्या होता है, जब हमारे पास में रेडिकल जो रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे एक ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर बनती है। किस टाइप से बनेगी, ये हमारे पास में जो रेडिकल है वो क्या करता है, यहाँ पे जाके जो होता है इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे जो एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ में हो जाता है। तो ये क्या करता है, इसके पास वाले जो पाई बॉन्ड है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस कार्बन पे जो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाता है, तो ये इससे क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस कार्बन पर रहता है, वो क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड बनाने के लिए इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेता है। अब इस कार्बन पर जो है एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में क्या बनता है, इस तरह से जो है यहाँ पे रेडिकल आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास में किस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पे क्या है हमारे पास में CH2 जो कि इससे जुड़ चुका है, और यहाँ पे क्या है सी, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है CH3 और CH3। तो इस तरह से जो है ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहाँ पे देखो तो इस टाइप से आपको जो है ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, ब्रिज रेडिकल का जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रेडिकल है वापस यहाँ पे जो होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है पाई बॉन्ड को। तो ये क्या होगा, ये रेडिकल यहाँ से जो होगा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा बॉन्ड का। अब इस कौन से बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये वाले कार्बन के जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वापस यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंपाउंड है कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। और क्या होगा, यहाँ पे वापस पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास में CH2, और ये वाला जो कार्बन है ये इससे अलग हो जाएगा। ये वाला कार्बन जो है हमारे पास में किस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे सी, अब यहाँ पे रेडिकल आ गया, और यहाँ पे क्या है CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो हमारे पास में पहले फिनाइल ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा था, वो कहाँ पे आ जाता है, CH2 वाले कार्बन पे आ जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, रेडिकल का रीअरेंजमेंट होता है। अब हम देखते हैं जो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर में आपसे पूछा गया था कि इसका जो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा। तो इसमें भी हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में हाइड्रोजन है जो कि LDIH हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारे पास में इनिशिएटर भी है टर्शियरी ब्यूटाइल परोक्साइड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट होगा और दो प्रोडक्ट बनेंगे, ए और बी बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से जो होगा एच रेडिकल वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे SL रेडिकल जनरेट हो जाएगा जो कि डिकम्पोज होकर क्या देगा, CH2 रेडिकल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में CH2 रेडिकल बनता है, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा रेडिकल हमारे पास में फॉर्म होगा, C6H5, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH2 रेडिकल। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट तो हमारे पास में क्या होगा, रेंजमेंट होगा, और ये जो C6H5 ग्रुप है कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले CH2 से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में क्या बन जाएगा, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास में बन जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे जो होगा हमारे पास में CH2 और C6H5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये क्या, एक कार्बन है, ठीक है, जिससे हमारे पास में क्या जुड़ रहे हैं, चार ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। तो इसका जब हम क्या करेंगे, वापस जो हमारे पास में फर्स्ट वाला कंपाउंड है वो इसको हाइड्रोजन जब डोनेट करेगा, या फिर ये जो रेडिकल है फर्स्ट वाले कंपाउंड से क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, तब हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब हमारे पास में प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में CH2 और C6H5। एक तो कंपाउंड ये बन गया। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाला जो रेडिकल है वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो फर्स्ट कंपाउंड है उसे क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे C6H5 एज इट इज़ रहेगा, और ये क्या बनेगा, CH3। तो ये दो कंपाउंड बनते हैं इस रिएक्शन के अंदर। मतलब कि फर्स्ट ए क्या होगा हमारे पास में, ए ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास में रेडिकल का जो होता है रीअरेंजमेंट होता है, एंड देन हमारे पास में उसका प्रोडक्ट बनता है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास में पहले बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में रेडिकल जनरेट होगा वो क्या होगा, टर्शियरी रेडिकल होगा। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होती है। तो ए वाला कंपाउंड हमारे पास में क्या बन जाएगा, ए कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे होगा हमारे पास में एच, और यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, CH2 C6H5। ये प्रोडक्ट है ए, और सेकंड हमारे पास में प्रोडक्ट बनेगा बी प्रोडक्ट, जो कि क्या बनेगा, यहाँ पे बी प्रोडक्ट बनेगा
ये वाला जिसमें CH6H5 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी होती है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट जो होता है रिएक्शन पूछी जा सकती है और वहाँ पे आपको इनिशिएटर दिया होगा टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, तो आप इजीली समझ जाओगे इसमें आपको क्या कराना है, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट कराना है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।